आप सभी लोगों को एक बार फिर से गुरुकुल चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं बहुत ही इजी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है हमारा प्रूफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, प्रूफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम इसी छोटे से उम्मीद के साथ इसको आज आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं इस चीज को, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसे प्रूफ करने के लिए, ये बहुत ही इजी है, मैं बार बार आपसे कहता, मैं इसे आपके सामने में करके दिखा रहा हूं, पर आप इसे एक कार्डबोर्ड पे करेंगे, और जैसे मैं डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूं वैसे ही आप भी डिफरेंट कलर के साथ ही करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं अपने कार्डबोर्ड पे, ठीक है। और इस स्क्वायर के साथ ही हम यहाँ पे इसे दो पार्ट में बांट लेते हैं, दो किसी भी पार्ट में बांट लीजिए, डिफरेंट पार्ट्स में बांट लीजिएगा, ठीक है। तो जरा गौर से देखिए, मैं सबसे पहले इसको नेमिंग कर दूं, ए बी सी डी, ये हमारा नेमिंग है। ये मेरा एक स्क्वायर है जिसका लेंथ मैं ए मान लिया हूं, जिसका लेंथ मैं ए मान लिया हूं। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट P, एक छोटा सा पार्ट R, एक छोटा सा पार्ट Q, एक छोटा सा पार्ट T मैं इसमें से निकाल ले रहा हूं। तो छोटे से पार्ट को जब से मैं निकाल रहा हूं तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। तो अब जरा गौर से देखिए, ये जो मेरा पूरा भाग था, ये मेरा पूरा भाग ए था, अब इससे यह बी निकल चुका है, तो यह जो भाग है वह ए माइनस बी है। यह जो पार्ट है यह भी पार्ट मेरा ए माइनस बी है, यह जो पार्ट है यह भी ए माइनस बी है, और यह जो मेरा पार्ट है यह भी ए माइनस बी है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो अब ये जो मेरा पार्ट था, ये मेरा पार्ट बी है और ये भी मेरा पार्ट बी है। अब मैं बात करने जा रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर ए पी आर एस। क्या होगा एरिया ऑफ ए पी आर एस? तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी एस पी बी एस टी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल QT DC। जरा ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर APRS, एरिया ऑफ स्क्वायर APRS ये मेरा क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ APQRS क्या हो जाएगा? ये वाला भाग हो जाएगा मेरा, ठीक है। जरा देखिएगा ध्यान से, ये जो मेरा पार्ट मैं अभी लेने जा रहा हूं बाबू, उसको जरा गौर से देखिएगा, ये मेरा पार्ट हो जाएगा पूरा, इस पूरे पार्ट को मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ APQRS, नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं
आपसे बात किया जो ये एरिया कितना था, गौर से देखिए, ये पूरा भाग मेरा ए माइनस बी था, तो ये पूरा मेरा हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया साइड स्क्वायर होता। अब गौर से देख लीजिए, एरिया ऑफ ए बी सी डी, दैट मीन्स ये पूरे भाग का एरिया, ये पूरे भाग का एरिया, वो साइड ए था तो साइड ए का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीबीएसटी, पीबीएसटी गौर से देखिए बाबू, ये भाग है मेरा पीबीएसटी को जरा गौर से देख लीजिए, पीबीएसटी को बाबू गौर से देख लीजिए, ये भाग है मेरा, नहीं तो ये एरिया क्या दे देगा, ये हो गया बाबू, गौर से देखिए, ये पूरा बी और ये ए माइनस बी है, गौर से देखिए, ये ए माइनस बी है, तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, बी इंटू ए माइनस बी, और ये भी तो घट रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यू टी डी सी, दैट मीन्स ये देखिए बी और ये पूरा ए, ये पूरा ए, दैट मीन्स माइनस ए बी। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देयर फॉर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल है इसका प्रूफ, बहुत ही इजी आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, इसे शेयर करना ना भूले, और जब सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप देखेंगे उसके नीचे एक बेल आइकन हो, उसे दबाना ना भूले, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।